सो नमस्कार नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। तो रेगुलर बेसिस में आप सब लोगों के लिए डेली बेसिस क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहना हमारे साथ एंड तक। आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया बेसिकली फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस क्लास में होगा। आप लोग ऑब्वियसली रहना क्लास के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके आज की प्रश्नमाला। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यस, दैट मीन्स द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? यमुना, ऑप्शन बी गंगा एंड ऑप्शन सी गोदावरी एंड द लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र। सो यहाँ पे राइट आंसर कौन से होगा निम्नलिखित ऑप्शन में से? इनमें से राइट आंसर होगा जो गंगा। गंगा भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, अराउंड 2525 किलोमीटर अराउंड उसका। जो गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम जो गंगोत्री ग्लेशियर, हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेटेड है एंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं वेस्ट बंगाल से ऊपर से जाके बे ऑफ बंगाल के साथ मर्ज हुआ है। ठीक है, यही था लॉन्गेस्ट रिवर एवं इसका डिटेल्स विस्तार रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? यस, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तीन में से राइट आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन हिमालय की रिलेटेड है, हिमालय की रिलेटेड, हिमालय एशिया के किस भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है? यस, हिमालय इज आर ए माउंटेन रेंज इन व्हिच पार्ट ऑफ एशिया। हिमालय एशिया की कौन सी पार्ट की एक पर्वत श्रृंखला है? एशिया महादेश की कौन सी पार्ट में हिमालय है? पहला जो ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम एंड ऑप्शन सी उत्तर पूर्व एंड द लास्ट वन ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो इनमें से राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व पार्ट में हिमालय एशिया की स्थित है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यस, लॉन्गेस्ट, पहला जो क्वेश्चन किया था हमने लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया वो था गंगा। अभी जो बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जो लैंड वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से, इनमें से राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो इनमें से राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान जो लॉन्गेस्ट स्टेट है इंडिया की, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैप पे राजस्थान कहाँ पे है, भारत की किस तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यह सब लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे जो प्रश्न निकल के आया, माउंट एवरेस्ट किस दो देश की सीमा पर स्थित है? यस, माउंट एवरेस्ट किस दो देश की बिटवीन है, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज, कौन दो कंट्री के बीच बीच माउंट एवरेस्ट स्थित है? जो दुनिया की सबसे बड़ा पीक है, नेपाल और चीन, ऑप्शन बी भारत और चीन एंड ऑप्शन सी भारत और नेपाल एंड ऑप्शन डी भूटान और चीन। तो इनमें से राइट आंसर होगा नेपाल और चीन के बीच में हिमालय स्थित है। यस, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो माउंट एवरेस्ट की लगभग जो 8848.8686 मीटर उसका हाइट अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई शहर भारत के किस तट पर स्थित है? यस, मुंबई शहर भारत के किस तट पर स्थित है, अर्थात विच कोस्ट ऑफ इंडिया, कहाँ पे लोकेटेड है मुंबई शहर? जो पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पश्चिमी तट एंड उत्तरी तट। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो पश्चिमी तट। यस, पश्चिमी तट पर मुंबई लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात डार्क कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? अमंग ऑल दिस कॉन्टिनेंट, विच कॉन्टिनेंट इज द डार्क कॉन्टिनेंट? एशिया, अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका एंड ऑप्शन डी यूरोप। तो इनमें से राइट आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका जिसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ज़्यादातर पार्ट आइसोलेटेड है अफ्रीका की। अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट वो लोकेटेड है, ठीक है, एंड अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर किस दो देश के बीच स्थित है, अर्थात डेड सी सिचुएटेड बिटवीन हुज टू कंट्रीज? कौन दो कंट्री के बीच मृत सागर अर्थात डेड सी लोकेटेड है? इसराइल और जॉर्डन, ऑप्शन बी मिस्र और लीबिया एंड ऑप्शन सी तुर्किया सीविया सीरिया एंड ऑप्शन डी, इस इनमें से कोई नहीं है। इनमें से राइट आंसर ऑप्शन हैं अर्थात इसराइल और जॉर्डन। यहाँ पे मैप भी दिखा के, मैप भी अवेलेबल है आप सब लोग के लिए, आप लोग देख सकते हैं। डेड सी एंड बिटवीन इन बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन के बीच में डेड सी लोकेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेजनगर भूमध्य सागर को किस अन्य जल निकाय से जोड़ती है, अर्थात स्विच कैनल? हमने बहुत बार सुना होगा स्विच कैनल, जो कौन सी दो सी को कनेक्ट करती है बेसिकली? एक तरफ तो है मेडिटेरेनियन सी और एक तरफ कौन सी सी है जो दोनों सी को कनेक्ट करते हैं? कौन स्विच कैनल कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं? ऑप्शंस है अरब सागर एंड ऑप्शन बी काला सागर एंड ऑप्शन सी भारत महासागर एंड ऑप्शन डी लाल सागर। तीन में से राइट आंसर होगा स्विस कैनल कनेक्ट करते हैं मेडिटेरेनियन और लाल सागर को। यस, आप लोग देखा होगा ये जो स्विस कैनल दिखाई दे रहा है, स्विस कैनल मेडिटेरेनियन और रेड सी को कनेक्ट करता है स्विस कैनल। ये छोटा सा कैनल है वो कनेक्ट करता है। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सेशन, होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी नॉलेज यहाँ से मिला होगा आप सब लोगों को, तो ज़रूर लाइक शेयर करके दूसरों के साथ शेयर करना ऑब्वियसली, एंड हमारे साथ रहना, जुड़ा रहना। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।